तो नमस्कार दोस्तों, कैसा हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस राज और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पीटेक सपोर्ट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने यूट्यूब चैनल को वेरिफिकेशन पिन आने के बाद वेरिफिकेशन जो आपका 6 डिजिट का कोड मिलता है इस वाले वेरिफिकेशन पिन में वो कहाँ पर डाल के वेरीफाई करते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा ब्रीफली देखने को मिलेगा, पूरा आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम इस पिन को कहाँ डालकर और कैसे कहाँ पर सबमिट करना है जिससे कि हमारा जो गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एडसेंस से पेमेंट लेने के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे मैं कि आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, गूगल का एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और फाइनली जो है आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए गूगल एडसेंस क्या करता है कि आपके घर पर ये बाई पोस्ट एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन भेजता है, जस्ट लाइक OTP होता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इसे घर पर मंगाने के लिए क्या करते हैं, इसका अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो उस वीडियो आपको जाकर देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसे मंगवाने के लिए क्या करना पड़ता है और कितने दिन में आता है ये। तो फाइनली चलिए हम चलते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पे, एक एक प्रोसेस देखते हैं। बिल्कुल ही वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट क्लियर ना हो। तो डायरेक्ट चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पे, वहां चल के देखते हैं कि कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर आ गए हैं, यहाँ से आप देखना कि एडसेंस पिन को कैसे वेरीफाई करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पास एडसेंस का पिन जो है वो घर पे प्राप्त होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर में चला जाना है और यहाँ पर एडसेंस में लॉग इन कर लेना, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग एडसेंस में लॉग इन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एडसेंस लिख देते हैं कि एडसेंस लॉग इन हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि एडसेंस यहाँ पर लॉग इन खुल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें डेस्कटॉप साइट लगा लेते हैं। अब जैसा देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट हमने यहाँ पे लगा दिया और इसमें हम एडसेंस में लॉगिन कर लेते हैं जहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला ऑप्शन डालने के बाद हमारे पास जितने भी हमारे ईमेल होते हैं हमारे सामने खुल के आ जाता है कि आप किस ईमेल से एडसेंस को लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप जो भी ईमेल से अपना एडसेंस बनाए होंगे, यूट्यूब अकाउंट में लिंक किए होंगे, उसी ईमेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं अपना ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का एडसेंस का अकाउंट जो आपका है वो खुल के इंटरफेस आपके सामने आ जाता है एडसेंस अकाउंट का। ठीक है, तब आपके पास एडसेंस को वेरीफाई करने के लिए वो पिन इंटर करने के लिए क्या करना होगा कि आप कोने में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो 3 लाइन्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थ्री लाइन्स में हम चले जाते हैं। 3 लाइन्स में जैसे ही जाते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं और उसी में एक ऑप्शन आता है पेमेंट का। ठीक है, आप नीचे से 3rd नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। तो हम पेमेंट के ऑप्शन में से जाते हैं और पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद 2 ऑप्शन हमारे पास खुल के आता है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन चेक। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक में हम चले जाते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही वेरिफिकेशन चेक में जाते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है आपके पास। यहाँ पर 6 डिजिट का पिन आपको डालने का ऑप्शन है। यहाँ पर 6 डिजिट का पिन डाल के आप सिंपली से वेरीफाई कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 डिजिट का पिन डाल लेते हैं और डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 6 डिजिट का पिन जो हमारे पास आया था वो जैसे ही हमने डाल के वेरीफाई किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। और जो आपके दोनों ऑप्शन है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन और एड्रेस वेरीफिकेशन, ये दोनों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कंप्लीट का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों एक बहुत छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कराने में एडसेंस अकाउंट में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।